Welcome to World of Fashion and Designing. Fashion and Designing is all about dreaming. So be an eyefight, fulfill your dreams and start making other people dream. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFA. Yes, I am an IFA. Design your future. IFA. वित्त मंत्री के आम बजट को लेकर ताज नगरी के वासियों को तमाम उम्मीदें थीं। पर्यटन उद्योग हो या फिर आम जनमानस, सभी लोगों ने वित्त मंत्री से जुड़े तमाम योजनाओं को इस बजट से शामिल करने का सपना सजाया था। आम बजट पर जब पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यवसायियों से बात की गई तो पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों ने इससे नाखुश होने की बात कही। होटल व्यवसायियों का कहना था कि दुनिया के तमाम देश अपने प्राकृतिक सौंदर्य और उद्योग के साथ साथ धार्मिक स्थलों को पर्यटन से जोड़ रहे हैं और उनके प्रचार प्रसार के लिए अलग से बजट बनाया जाता है। देखिए, आप सरकार के बजट की बात करते हैं तो मैं पर्यटन की बात करूंगा कि वो पर्यटन मेरा पेशा है और पर्यटन उद्योग से जुड़ा हूं और एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूं। मैं ये कहूं कि हमारे दो वर्षों से पर्यटन के लिए सरकार ने कुछ भी बजट नहीं दिया है, 1% का भी कोई अलग से फंड रेज नहीं करा है कि पर्यटन विकास के लिए, आगरा के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए है। शायद सरकार ये सोच के बैठी है कि आगरा मानचित्र पर है ही नहीं, और अगर होता तो शायद बजट के लिए कुछ ना कुछ जरूर दिया जाता। हमारी मांग थी कि आगरा को, इतने वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं आगरा के अंदर, 3 वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं और कई अदर मॉन्यूमेंट्स हैं, तो हमारी मांग थी कि इसको हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया जाए। हमारी मांग थी कि इसको GST में रिलैक्स दिया जाए, 12% की जगह जो 999 पे लगाया जाता है उसको 2499 पे लगाया जाए। हमारी मांग थी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इस बजट में घोषणा हो, इसका अलग से फंड डिक्लेयर किया जाए। पर मुझे लगता है कि सरकार ने पर्यटन उद्यमियों का बहुत ज़्यादा निराश किया है और किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आगरा जो है उत्तर प्रदेश का एक पहला ऐसा सिटी है जो सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके भारत सरकार को देता है, उसके बाद भी कोई सुविधा नहीं। सरकार का बजट कैसा मान? देखिए, आप सरकार के बजट की बात करते हैं तो मैं पर्यटन की बात करूंगा कि वो पर्यटन मेरा पेशा है और पर्यटन उद्योग से जुड़ा हूं और एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूं। मैं ये कहूं कि हमारे दो वर्षों से पर्यटन के लिए सरकार ने कुछ भी बजट नहीं दिया है, 1% का भी कोई अलग से फंड रेज नहीं करा है कि पर्यटन विकास के लिए, आगरा के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए है। शायद सरकार ये सोच के बैठी है कि आगरा मानचित्र पर है ही नहीं, और अगर होता तो शायद बजट के लिए कुछ ना कुछ जरूर दिया जाता। हमारी मांग थी कि आगरा को, इतने वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं आगरा के अंदर, 3 वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं और कई अदर मॉन्यूमेंट्स हैं, तो हमारी मांग थी कि इसको हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया जाए। हमारी मांग थी कि इसको GST में रिलैक्स दिया जाए, 12% की जगह जो 999 पे लगाया जाता है उसको 2499 पे लगाया जाए। हमारी मांग थी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इस बजट में घोषणा हो, इसका अलग से फंड डिक्लेयर किया जाए। पर मुझे लगता है कि सरकार ने पर्यटन उद्यमियों का बहुत ज़्यादा निराश किया है और किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आगरा जो है उत्तर प्रदेश का एक पहला ऐसा सिटी है जो सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके भारत सरकार को देता है, उसके बाद भी कोई सुविधा नहीं। सुरेश खन्ना, संयोजक, होटल रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन। खन्ना जी, जिस तरह से आज आम बजट आया है, कितनी उम्मीदें थी पर्यटन विभाग को? उम्मीदें तो हर वर्ष होती हैं, हर बार जब बजट आता है उम्मीद होती है कि इस बार बजट में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ ना कुछ करेगी। अनेकों देशों की आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था जो है वो पर्यटन उद्योग पर ही डिपेंड है, उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम ही पर्यटन उद्योग है। जैसे आप ले रहे, कोई प्राकृतिक सौंदर्य बेच रहा है स्विट्जरलैंड, नेपाल, भूटान आदि, कोई अपना पौराणिक महत्व की चीजें बेच रहा है जैसे टर्की, और अनेकों देश हैं ऐसे, और श्रीलंका है,
कई अपने आर्टिफिशियल तरीके से भारी इन्वेस्टमेंट करके पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, जैसे खलीफा बुर्ज दुबई में, आप इधर जाएं सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, यहाँ पे आपको समुद्र के अंदर जैसे कोई अपना ग्लास हाउस बना के समुद्री जीव जंतुओं के अवलोकन के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से बनाया हुआ है, और भारी पर्यटक वहाँ जाता है। पर्यटक यहाँ जाएगा, नेचुरली बात है वहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है, भारी धन पर्यटकों के थ्रू मिल सकता है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सर्वप्रथम एक ही चीज़ की जरूरत होती है कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए भारी पब्लिसिटी की, लेक ऑफ पब्लिसिटी करके। सिर्फ ताजमहल तो ऐसा है कि जो कि विश्व का सबसे प्रमुख पर्यटक स्मारक है, तो उसके नाम पे तो आगरा पर्यटक आता है, बाकी किसी भी ऐतिहासिक स्थल हो, आगरा में बहुत से ऐतिहासिक स्थल भी हैं, प्राकृतिक स्थल भी हैं, धार्मिक स्थल भी हैं, जिनकी पब्लिसिटी नहीं है। इस करके टूरिस्ट आगरा आता तो है, ताजमहल देख के वापस चला जाता है। ये महती आवश्यकता है कि हर मॉन्यूमेंट की, हर प्राकृतिक सौंदर्य वाली कोई भी पर्यटक स्थल है, उसकी भारी पब्लिसिटी की जाए देश विदेश में, जिससे कि पर्यटक आगरा आए। रात्रि विश्राम का तो आप जानते ही हैं कि सरकार भी प्रयास इस बात को मानती है कि पर्यटक आगरा में भारी संख्या में आता है, और रात्रि विश्राम में मुश्किल से 25-30% ही आगरा में ठहरता है। वही जैसे मैंने अभी बात कही, ताजमहल के एम से ही आगरा वो आता है। ताजमहल के अलावा तीन तीन तो विशुद्ध स्मारक हैं आगरा में, उसके अलावा कितने ऐतिहासिक स्मारक हैं, नेचुरल पर्यटक स्थल कीठन है हमारे पास में, चंबल है, बटेश्वर है, यहाँ बर्ड सेंचुरी भी हैं, क्रोकोडाइल सेंचुरी भी हैं, नेचुरली लेक भी है, सब चीज़ें हैं, परंतु इन चीज़ों की पब्लिसिटी ना होने की वजह से पर्यटक आगरा में रुकता नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है, आगरा में इतने स्थल होने के बावजूद पर्यटक आगरा में रात्रि विश्राम नहीं करता। बिल्कुल, पर्यटन उद्योग की तरह ना पहले की सरकारों ने ना आपकी सरकार ने कोई ध्यान दिया, विशेष ध्यान दिया, जबकि पर्यटन उद्योग की तरह विशेष ध्यान देना चाहिए, ये प्रदूषण रहित उद्योग भी है। मेरा नाम अवनीश शिरोमणि है, मैं होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर से सुन जनरल सेक्रेटरी। देखिए, पर्यटन उद्योग जो है प्रधानमंत्री की बातों से, पर्यटन मंत्री की बातों से काफ़ी उसमें था कि हमें बजट में कुछ ना कुछ मिलेगा, जो देश की योजनाएं हैं, जो पर्यटन की योजनाएं हैं उसमें, जिस हिसाब से हमारे चाहे मुख्यमंत्री जी योगी में आगरा से मुख्यमंत्री योगी की बातों को देखता हूँ, मलेशिया की बात करते हैं, देश में प्रधानमंत्री जी और विदेश यात्राएं कर रहे हैं, वो विदेशों की तरह चाहते हैं देश में पर्यटन विकसित हो, हवाई यात्राएं हैं, रेल यात्राएं हैं, ये सब चीज़ें जितनी डेवलप हो, तो उस हिसाब से पर्यटन में का बजट जो आया है, जिस प्रकार से ताजमहल नंबर वन है, तो पर्यटन का विकास भी बजट भी नंबर वन होना चाहिए था, पर वो पर्यटन का बजट नंबर वन नहीं है। एक गठित होना चाहिए पर्यटन का, उसके लिए फंड अलग से स्वीकृत होना चाहिए था, उसमें रेल, वायुयान सेवाएं, ट्रैफिक, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीज़ आ जाता है, तो इस प्रकार से एक गठन बनना चाहिए और एक बजट। लेकिन अब तक जो बजट मैंने देखा है उसमें इस चीज़ की कोई चीज़ उम्मीद नहीं लग रही है। नहीं, जो मैंने अब तक देखा है और जो बजट दिखा रहा है उस हिसाब से तो कोई संतुष्टि दिख नहीं रही है। देश के प्रति क्या दिख रहा है पता नहीं, लेकिन आगरा के प्रति कुछ नहीं है। ये तो हर बार सरकार करती आ रही है, हम तो उम्मीद रखते हैं, अब तो केंद्र में, राज्य में सब जगह सरकारें ऐसी हैं, तो और ज़्यादा वर्क होना चाहिए था, लेकिन पुराने बजट में और इस बजट में कोई विकास पर्यटन का नहीं होता दिख रहा है। इस आम बजट में महिलाओं को गैस कनेक्शन और बिजली कनेक्शन देने की बात पर एक महिला अग्रणी का कहना था कि इस बजट में बहुत कुछ सही है जो आम लोगों को काफ़ी फायदा पहुंचाएगा, लेकिन एक आम आदमी को बजट में छूट के लिए सरकार से काफ़ी उम्मीदें होती हैं, जिसमें सरकार ने लोगों को नाउम्मीद किया है। डॉली शुक्ला, मिसेस विजय कुमार शुक्ला। देखिए, उम्मीद तो हर एक चीज़ से ज़्यादा की जाती है, किंतु उनकी एक अच्छी पहल है, उन्होंने पहले अपना वोट लिस्ट के लिए मुस्लिम महिलाओं को पकड़ा और उनकी अच्छी के लिए करा, अब उन्होंने निम्न वर्ग की महिलाओं को चुना है। ये अच्छी पहल है उनकी, क्योंकि इसमें गैस वगैरह का फ्री का वो बता रहे, इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का। नहीं नहीं, उम्मीद तो देखिए सबको ज्यादा की होती है, हमेशा से ज्यादा की उम्मीद लोगों को होती है, पर उन्होंने जितना भी करा सही करा। हाँ, ये जरूर है कि रिबेट वगैरह का हम लोगों को अंदाज था, व्यापारी मंडल को, कि कुछ मिलेगी तो हमारे लिए अच्छा होगा, किंतु वो सेम है तो थोड़ा फर्क तो पड़ा है, पर चलिए कोई ना, धीरे धीरे सब वो है। वही इस बजट के दौरान लोगों का कहना था कि इस बजट में उद्योगपतियों का भरपूर ख्याल रखा गया है,
युवा मोदी जी को व्यापार नीति से संतुष्ट तो नजर आए, लेकिन उनका कहना था कि एक तरफ मोदी जी रोजगार देने की बात करते हैं तो वहीं फैक्ट्री और कारखाने बंद होने से लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार भी हो गए हैं। पुनीत अरोरा, उम्मीद तो हमें बहुत थी कि नया कुछ 2019 में जो इलेक्शन के का वजह से हमें इसमें रिलैक्समेंट मिलेंगे वो नहीं मिले। पॉलिसियां सेम है, इनकम टैक्स सेम है, पर सबसे अच्छी बात ये रही कि पॉजिटिव रिस्पांस हमें ये मिला है कि जो मोदी जी बाहर जाते हैं और कंपनियों को के सीईओ से मीटिंग करते हैं कि आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करें, यूनिट डालें, हम आपको पूरे सिस्टम देंगे, पूरा तरीका जो आप चाहते हैं वो अरेंजमेंट देंगे, तो उससे लोग कंपनियां यहां पे आ रही हैं और वो जॉब क्रिएट होंगे। तो जो युवा आज हमारे यहां खाली बैठे हैं एजुकेशन के बाद, उन्हें जॉब नहीं है तो उन्हें जॉब क्रिएट मिलेगा, ये एक हमारा पॉजिटिव साइन है। और जो एक मेरे को जो माइनस लगता है और ये है कि गवर्नमेंट जो ट्रांसपेरेंसी के लिए वर्क कर रही है वो एक प्रैक्टिकल होके नहीं हो रहा है। लोअर मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मैन जो है जो एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते हैं, आज इस पॉलिसी की वजह से वो इतना ज्यादा हरेसमेंट में आ चुके हैं कि उनके जॉब खत्म हो गए हैं। लोगों को एक तरीके से सुसाइड का तरीका करना पड़ रहा है कि उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अच्छा खाना नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके लिए भी इन्हें ध्यान रख के पॉलिसी को करना है कि ताकि जो लोअर लोग हैं जो करोड़ों की संख्या में है उनका भी इतना हरेसमेंट ना हो कि हाँ हम चाहते हैं हमारा देश प्रोग्रेस करे, हम लोग भी एक महाशक्ति बने, पर वो महाशक्ति हमारे ऐसे गरीब परिवारों के कंधों पे या उनके ऊपर रख के ना हो। पिछली सरकारों की तरह मोदी सरकार ने इस बजट में पर्यटन उद्योग से जुड़ी किसी भी योजना को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जबकि आगरा में ताजमहल है और पर्यटकों को रात्रि विश्राम के लिए लंबे समय से कवायदें जारी रखने के लिए होटल व्यवसायी उम्मीदें लगाए हुए थे, लेकिन उनको अमली जमा आज तक नहीं पहनाया गया। पर्यटन व्यवसायियों ने पर्यटन उद्योग बनाने और अलग से बजट बनाने की मांग भी की। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन चंदन सिंह के साथ अनिल चौधरी की रिपोर्ट।